नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RBSC विद HSM में। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा प्री एम्पियर्ड प्रवेश परीक्षा 2020 में मुख्य प्रवेश सूची जारी कर दी गई है एवं इसी के साथ में महाविद्यालय आवंटन एवं उपस्थिति कार्यक्रम हेतु विस्तृत सूचना एवं दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा इस वीडियो में करेंगे। इसी के साथ में MA, MSc एवं LLB के विभिन्न पाठ्यक्रमों के एग्ज़ाम 2020 के रिजल्ट भी जारी किए जा चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इसके संदर्भ में भी जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले हम बात करेंगे रिजल्ट के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने 8 फरवरी 2021 LLB फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम दिसंबर 2020 MSc इन्वायरमेंटल साइंस सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम मई 2020 MA ड्राइंग एंड पेंटिंग सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम मई 2020 MA फ्रेंच सेकेंड सेमेस्टर एग्ज़ाम मई 2020 MA हिस्ट्री MA MBA पेंटिंग MA MBA स्कल्पचर MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सेकेंड सेमेस्टर MA राजस्थानी लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चर सेकेंड सेमेस्टर MA संस्कृत सेमेस्टर एग्ज़ाम MA सोशोलॉजी MA उर्दू MA MSc जियोग्राफी सेकेंड सेमेस्टर MA MSc मैथमेटिक्स सेकेंड सेमेस्टर एवं इसी के साथ में MSc होम साइंस MSc केमिस्ट्री MSc जूलॉजी सेमेस्टर MSc जूलॉजी जियोलॉजी सेमेस्टर MSc बॉटनी सेकेंड सेमेस्टर MSc बायोटेक्नोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं। रिजल्ट देखने के लिए हमें दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने रोल नंबर का ऑप्शन दिखाई देगा। दिए गए बॉक्स में रोल नंबर फिल करके फाइंड पर क्लिक करके हम अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सकेंगे। नेम वाइज रिजल्ट देखने के लिए नेम वाइज पर हमें क्लिक करना होगा। नेम वाइज पर जैसे हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते हैं, हमारे सामने नेम फिल करने हेतु बॉक्स दिखाई देगा। दिए गए बॉक्स में रोल नंबर फिल करेंगे, फाइंड पर क्लिक करके हम अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर सकेंगे। अब बात करेंगे हम प्री एम्पियर्ड के संदर्भ में। प्री BPEd एवं प्री MPEd 2020 दिए गए लिंक पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं, हमारे सामने प्री MPEd 2020.com का लिंक दिखाई देगा। इस लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। प्री MPEd 2020 की मुख्य प्रवेश सूची दिनांक 7 फरवरी 2021 को जारी कर दी गई है। अभ्यर्थी अपना आवंटन पत्र प्राप्त कर प्रवेश कार्यक्रम की सूचना एवं निर्देशानुसार आवंटित महाविद्यालय में अपनी उपस्थिति अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। इन्फॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर प्रोग्राम ऑफ कॉलेज अलॉटमेंट एंड रिपोर्टिंग इन कॉलेज। सबसे पहले हम बात करेंगे प्री अलॉटमेंट लेटर के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। दिए गए बॉक्स में फॉर्म नंबर फिल करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करके हम अपना अलॉटमेंट लेटर आसानी से जारी कर सकेंगे। अब बात करेंगे हम काउंसलिंग शेड्यूल फॉर MPEd 2020 के संदर्भ में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। प्रवेश की मुख्य आवंटन सूची 7 फरवरी 2021। आवंटित महाविद्यालय में अभ्यर्थियों की उपस्थिति आवंटन पत्र निकालकर यूको बैंक के चालान से 17,375 रुपये जमा कराने के बाद महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज करवाएं। 8 फरवरी 2021 से 12 फरवरी 2021 तक अपग्रेडेशन की प्रक्रिया में यस भरें। केवल वे ही अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटित महाविद्यालय में उपस्थिति करा दी है तथा जो अपग्रेडेशन
चाहते हैं वे ही अभ्यर्थी यस करें, अन्यथा इसको किसी भी प्रकार का संशोधन ना करें। ये प्रक्रिया 14 फरवरी 2021 रात के 12 बजे तक रहेगी। अपग्रेडेशन द्वारा आवंटित महाविद्यालय की सूचना एवं उपस्थिति आवंटन पत्र निकालें। ध्यान रहे, अपग्रेडेशन की प्रक्रिया में सोच समझकर ही भाग लें, क्योंकि नए आवंटित महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई तो पूर्व में आवंटित महाविद्यालय से अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है, अपग्रेडेशन की प्रक्रिया का अर्थ यह है कि हमें जो महाविद्यालय आवंटित हुआ है उस महाविद्यालय में हम जाना नहीं चाहते हैं, तो इसके लिए दूसरे विद्यालय में प्रवेश हेतु अपग्रेडेशन की सुविधा दी जाती है। 16 फरवरी 2021 से 17 फरवरी 2021 तक सत्र आरंभ 17 फरवरी 2021 से और प्रथम प्रतीक्षा सूची रिक्त सीट उपलब्ध होने पर 19 फरवरी 2021 को जारी की जाएगी। प्रथम प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की आवंटित महाविद्यालय में उपस्थिति 19 फरवरी 2021 से 22 फरवरी 2021 तक। द्वितीय प्रतीक्षा सूची रिक्त सीटें उपलब्ध होने पर 24 फरवरी 2021 द्वितीय प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों की आवंटित महाविद्यालय में उपस्थिति होगी 24 फरवरी 2021 से 25 फरवरी 2021 तक। तो इस तरह से काउंसलिंग जो शेड्यूल है जारी किया गया है। अब बात करेंगे हम महाविद्यालय आवंटन एवं उपस्थिति कार्यक्रम हेतु विस्तृत दिशा निर्देश। अभ्यर्थी को क्या क्या करना होगा? सर्वप्रथम राजस्थान सरकार के निर्देश अनुसार द्विवर्षीय एमपीएड प्रवेश सत्र 2020 से 2021 हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्री एमपीएड प्रवेश परीक्षा 2021-2020 के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग द्वारा महाविद्यालय चयन की प्राथमिकता प्रक्रिया में सम्मिलित होकर मूल दस्तावेज सत्यापन करवाकर जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण की है उनकी मेरिट तथा महाविद्यालय प्राथमिकता की चयनता के आधार पर मुख्य प्रवेश सूची 7 फरवरी 2021 को जारी कर दी गई है तथा पूर्व में प्रदत्त पासवर्ड की सहायता से अपने प्रवेश की जानकारी प्राप्त कर कार्यक्रम के अनुसार अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। वेबसाइट से महाविद्यालय आवंटन प्रवेश पत्र, जीवन बीमा परपत्र सहित तथा चालान प्राप्त कर शेष राशि 17,375 रुपये चालान से यूको बैंक खाता संख्या यहाँ पर दी गई है, इस खाता संख्या में हमें जमा कराकर आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग हेतु आवेदन पत्र, प्रवेश पत्र जमा मूल बैंक चालान की दो मूल प्रतियां जिसमें 5,005 प्लस 17,375 के साथ अपने मूल शैक्षणिक खेल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, सभी आरक्षित श्रेणियां तथा मूल निवास प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु साथ लावे। सभी प्रमाण पत्रों की दो सत्यापित प्रतियां सहित आवंटित महाविद्यालय में जमा कराकर अपनी उपस्थिति दें। अनुपस्थित होने पर उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। जिन अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आवंटित होगा वे आवंटित महाविद्यालय में अपनी उपस्थिति देकर सुनिश्चित करें। तो यहीं स्पष्ट कर दिया गया है कि सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को जिनको कॉलेज आवंटित हुए हैं वे अभ्यर्थी दिए गए बैंक खाता संख्या में 17,375 रुपये प्लस बैंक सेवा शुल्क 5 रुपये जमा कराएं और इसके पश्चात आवेदन पत्र का प्रिंट लें। दो दो फोटो प्रतियां हमें लेनी है, मूल प्रतियां लेनी है, मूल शैक्षणिक खेल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र साथ लेकर प्रमाण पत्रों की जो सत्यापित प्रतियाँ हैं दो दो लेकर महाविद्यालय में जमा करावें। गलत सूचना, श्रेणी, जन्म तिथि, बीपीएड में प्राप्तांक आदि देने के कारण अगर प्रवेश होता है या नहीं तथा निरस्त होता है तो इसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।
इस वर्ष भी काउंसलिंग में महाविद्यालय अपग्रेडेशन का प्रावधान रखा गया है तथा मुख्य प्रवेश सूची में वे ही लागू होगा। अपग्रेडेशन की प्रक्रिया में उन्हीं अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जाएगा जिन्होंने प्रवेश की मुख्य सूची द्वारा आवंटित महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज करवा दी है। अपग्रेडेशन प्रक्रिया के तहत उनको मेरिट के अनुसार नया महाविद्यालय आवंटित होता है। वे तुरंत प्रभाव से नए आवंटित महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज करवाएं। ध्यान रहे, अपग्रेडेशन की प्रक्रिया में सोच समझ कर ही भाग लें, क्योंकि नए आवंटित महाविद्यालय में उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई तो पूर्व में आवंटित महाविद्यालय से अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः ही निरस्त माना जाएगा। तो यहाँ इस लाइन का हमें विशेष जो है ध्यान रखना होगा। जो अभ्यर्थी महाविद्यालय आवंटन के पश्चात पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेता है तो राज्य सरकार के निर्देश अनुसार पंजीकरण शुल्क के रूप में जमा राशि 5,000 में से 600 काटकर शेष राशि उसे लौटा दी जाएगी। इस प्रकार किसी अभ्यर्थी को सीटों की सीमितता या अन्य कारण से प्रवेश नहीं मिलता है तो उन्हें पंजीकरण शुल्क संपूर्ण जमा राशि यानी 5,000 रुपये में से 200 रुपये काटकर शेष राशि अभ्यर्थी को लौटा दी जाएगी। शेष राशि प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं बैंक की 3 मूल चालान सहित दिनांक, जिसमें कॉपी होगी, कैंडिडेट कॉपी होगी, 15 मार्च 2021 तक कार्यालय में जमा करवाने पर वापस लौटा दी जाएगी। इसके बाद किसी अभ्यर्थी को पंजीकरण राशि नहीं लौटाई जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश लेने के पश्चात किसी भी कारण से किसी भी प्रकार का शुल्क वापस नहीं होगा। यदि किसी भी महाविद्यालय द्वारा उक्त फीस के अतिरिक्त फीस के नाम से कोई राशि की मांग की जाती है तो निम्न पते पर शिकायत कर सकते हैं। संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा ग्रुप 4 विभाग राजस्थान सरकार जयपुर। आवंटित महाविद्यालय में अपने प्रवेश की सुनिश्चितता न करने पर अनुपस्थित माना जाएगा, वह पुनः अवसर देने का प्रावधान नहीं है। एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं है। प्री एम्पियर्ड प्रवेश परीक्षा 2020 की अद्यतन सूचना हेतु वेबसाइट का समय समय पर अवलोकन करते रहें। तो यहाँ पर अपग्रेडेशन के संदर्भ में जो सूचना है जारी की गई है, मुख्य जो प्रवेश सूची है जारी कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित हुए हैं वे अभ्यर्थी दिए गए बैंक में यूको बैंक जो खाता है उसमें फीस जमा कराएं, मूल प्रतियां जो चालान है उसकी लें, और इसके पश्चात 5,500 रुपये की जो चालान की प्रतियां हैं, मूल शैक्षणिक खेल प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इसके साथ मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियां 2-2 सेट बनाएं और महाविद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं। जिन विद्यार्थियों को महाविद्यालय अपग्रेडेशन में शामिल होना है वे विद्यार्थी अपग्रेडेशन में यस लिखें, लेकिन इसमें यहाँ शर्त रखी गई है पहले महाविद्यालय में विद्यार्थी को उपस्थिति दर्ज करानी होगी। तो यहाँ पर जो पंजीकरण शुल्क है लौटाए जाने के संदर्भ में भी जो जानकारी है उपलब्ध करा दी गई है। आशा करूँगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। किसी भी प्रकार के प्रश्न की स्थिति में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न अवश्य रखें। इस चैनल के माध्यम से आपके हर संभव प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE विद HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।